मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज अपने चैलेंज का है गाइस कि तीनों मील अपन को अच्छे अच्छे लेने हैं, मतलब डाइट के हिसाब से जो डाइट करते हैं। अगर 32 बार कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी खाइए आप, लेकिन 32 बार चू करके खाइए। उसमें भी आप बाहर का कभी कभी खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि डेली, सप्ताह में एक बार जरूर खा सकते हो अगर आप 32 बार कर रहे हो तो। अगर एक बार सप्ताह में एक बार मिल जाए तो मन को भी शांति मिल जाती है। मिल जाती है अच्छे से एक बार अगर अपन खाते हैं तो। लेकिन चैलेंज का नाम था कि चैलेंज कर रहे हैं अच्छे से, पूरी शिद्दत से तीनों मील अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है चैलेंज। चैलेंज का नाम होता है कि तीनों मील अच्छे से ले अपन और प्रॉपर करें अच्छे से, तभी मानते हैं कि चैलेंज का क्या है कि वेट लॉस अच्छे से हो जाए और हेल्दी डाइट अपने अंदर जाए और प्रॉपर टाइम पे हम उसको कर पाए। चैलेंज का नाम वो होता है। तो आपने देखा मैं 2 दिन गई हूँ बाहर और अच्छे से मैंने खाया है, पूड़ी वगैरह तला हुआ था, सब कुछ, मिठाइयाँ भी थी, तो सब कुछ तला हुआ खाया है। तो चैलेंज मेरा भी टूट चुका है। और कल इतने सारे कमेंट आए थे कि दीदी हमारा भी छूट गया है और आप सही बोलते हो, एक बार छोड़ते हो तो दोबारा से शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता गाइस? मैं जब आपको डेली वीडियो दे रही हूँ और डेली खा के दिखा रही हूँ और डेली अपना प्रॉपर मील आपको दिखा रही हूँ तो क्यों नहीं होता? आप बोलते हो कि दीदी आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, तो क्यों नहीं मोटिवेट हो पा रहे आप? क्यों नहीं शुरुआत कर पा रहे दोबारा से? चलो आओ मिलके करते हैं शुरुआत। अगर आप ये कहो कि दीदी इस चैलेंज को आप जो चल रहा है जैसे चल रहा है 30 दिन पूरे कर दो इसके और फिर दोबारा से शुरू करना, तो अगर आप कहोगे तो मैं वैसे कर दूंगी। अगर आप ये कह रहे हो कि दीदी अभी से दोबारा से पूरा ईमानदारी से अपन करते हैं, मैं आपको उसमें एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी और तीनों मील जो खाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि पूरा शिद्दत से मैं दोबारा से शुरू करें इसको और या ये जो चल रहा है इसको कंटिन्यू चलने दे, तो आप मुझे प्लीज बता देना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, प्लीज घबराओ मत, खिलाड़ी पक्के हो आप। ऐसे नहीं है कि छूट गया तो छोड़ दिया सब कुछ, नहीं, दोबारा से उठेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, खा लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, खा लिया है तो दोबारा से अपन शुरू करते हैं। और मैं आपके साथ हूँ, जब मैं आपके साथ कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ तो आपके अंदर क्यों हिम्मत नहीं आ रही यार? आने चाहिए, ठीक है। जब आपकी, आप मुझे सिस्टर मानते हो अपनी, आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन, जब मैं कर रही हूँ तो आपके अंदर भी हिम्मत आनी चाहिए कि जब मैं इतना वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, आपको लगता है कि 15-16 मिनट की वीडियो है लेकिन इसके पीछे 5-6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मैं इतना कर रही हूँ, पूरा घर का काम, सिलाई, ये सब करके जब मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? और 32 बार तो ऐसा है कि टाइम देना है। अपन फोन में अपना टाइम वेस्ट करें पड़े पड़े रजाई में बैठ के, इसे तो अच्छा है रजाई ले उड़े बैठे और अच्छे से खाना अपना, खाने को टाइम दे अपना, जितना भी आप दे सको, 40 मिनट 45 मिनट उसको वहां पे दो, उस टाइम को लगाओ, ठीक है। तो अपना वेट भी लॉस हो जाएगा बैठे बैठे और मजा भी आएगा। वेट लॉस होने के बाद काफी मजा आता है। अब बताओ, मैं आपको सुबह मैं लगी थी काम के 7 बजे मैं लगती हूँ और ये टाइम आ चुका है, 11 बज चुके हैं अभी, और जब से मैं काम कर रही हूँ और मेरी बॉडी ऐसे घूमती है, बिल्कुल कोई थकावट नहीं होती और इतना सारा काम करके मैं बिल्कुल फास्ट कर लेती हूँ। पहले मैं एक काम करके फिर पड़ जाती थी, कोई भी मेरा मन नहीं करता था करने का, और आज मैं वही हूँ। वही पूजा है कि इतना सारा काम इकट्ठा एक साथ कर सकती है और अभी भी मुझे कोई रेस्ट नहीं है। अभी काम कर रहा है, मंदिर से आई हूँ, क्या काम हुआ, बस यही घर का नॉर्मली, और अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। और मनु संडे है घर पे है, उसने अपने लिए मैगी बना ली है तो मेरे लिए नाश्ता बनाऊंगी अभी। और आज मशीन लगाई थी तो कपड़े वगैरह सब पूरे धो दिए हैं, तो वो काम मेरा कितना टाइम लगता है उसमें भी, पूरा धूप निकली हुई थी तो पूरा सुखा दिए हैं और अच्छे से भी ये काम हो गया, लेकिन पोछा भी बाकी है। मैंने सोचा कि वीडियो लेट हो जाएगा मेरा पहला मील, तो खाते हैं फिर लंच के टाइम तक, तो भूख नहीं लगती अच्छे से, इस वजह से मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और सिस्टर का बार बार कमेंट आता है कि दीदी आप पालक की सब्जी कैसे बनाते हो दही डाल के, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी।
मेरी इच्छा तो थी आज सोल्फ्री डे करने की, लेकिन पालक की सब्जी बनती है तो हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए अपने को, इस वजह से मैंने सोल्फ्री डे नहीं किया आज। तो मैं आज वो सब्जी दिखाऊंगी, क्योंकि एक सिस्टर बार बार बोल रही है तो मैं दिखाऊंगी सिस्टर आज आपको, ठीक है। तो अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं, पूजा भी आपकी और आप मेरे शिद्दत से करके दिखाएंगे पूरे जोश से अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। फिर देखना वेट लॉस कैसे भागता है, ठीक है। ये देखिए गाइस, मन्नू नाश्ता कर रहा है अपना, मैगी इसको काफी पसंद है तो ये मैगी खा रहा है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, मजा आ गया। मैं तो खुद बनाया है ये, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं कपड़ों में लग रही थी तो इसको भूख लग गई थी, खुद बना लिया। और मैंने नहलाया आज इसको, संडे को मैं ही नहलाती हूँ, क्यूट क्यूट बना देती हूँ इसको। तो ठीक है गाइस, अभी नाश्ता करते हैं, मैं भी बनाती हूँ अपने लिए। गाइस मैंने गाजर और चकुंदर का जूस बना लिया है और नींबू भी मिला दिया इसमें और नमक भी। तो ये देखिए गाइस कितना यम्मी यम्मी जूस बनता है, बहुत ज़्यादा। अपने स्किन के लिए, अपने वेट लॉस के लिए, अपने हेयर के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़ें गाइस। तो लिया करो जूस वगैरह। अपने लंच की तैयारी, तो मैं आज बनाऊंगी पालक की सब्जी। तो पालक को मैंने अच्छे से धो के उबाल लिया था और इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कूट लिया है और अच्छे से उबाला था पहले ही मैंने इसको, तो समझ में आ गया होगा सिस्टर आपके, पहले उबाला इसको और फिर कूट लिया है निचोड़ के उस पानी से। टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची भी मैंने कूटी है, इसमें मैं साबुत नहीं डालती। और मेरे पास लहसुन नहीं है, नहीं तो लहसुन रखता है सब्जी में, तो अभी नहीं है गाइस। तो लहसुन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी लगता है इस सब्जी में, ज़्यादा हरी में। और यहाँ पे मैंने अपना कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल भी ले लिया है और इसमें डालेंगे अभी जीरा। अब डाल देते हैं अपने मसाले, रेगुलर मसाले जो होता है हल्दी, नमक, मिर्च। और जब तक अपना टमाटर पकता है जब तक अपन बना लेते हैं ये दही वाला। इसमें मैंने ली है ये देखिए थोड़ी सी दही और इसमें डालेंगे अब अपन बेसन की। तो बहुत स्वाद आता है गाइस अगर इसमें पालक में थोड़ा बेसन मिला के बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दो और ये तीन, तीन चार चम्मच अपन इसमें डाल सकते हैं बेसन की। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर बनके पक चुका है अपना अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं पालक, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं पालक को। तो ये देखिए पालक मिल चुकी है अच्छे से, और जो ये बनाया था ना अपन बेसन का और दही का, अगर आपके पास दही नहीं है तो छाछ में भी मिला सकते हो इसको और फिर ऊपर से डाल दो इसको, ठीक है। फिर थोड़ा सा पानी लो और इसमें डाल दो, फिर मिक्स कर दो और फिर इसको धीमी आंच करके खूब पकाना है, काफ़ी देर तक पका लो। जितना पकाओगे उतना ही स्वाद बढ़ता जाएगा इसका। जो ये हरा धनिया रखा है ये बनने के बाद फिर मैं डालती हूँ। तो ऐसे बनाती हूँ गाइस मैं पालक की सब्जी। तो सिस्टर आपने रेसिपी मांगी थी तो मैंने बता दी, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी और समझ में आ गई क्या आपको।
तो और खाने में बहुत स्वाद है और हेल्दी है और डाइट में भी इसको आप ऐड कर लो तो बहुत अच्छी है ये चीज़। गाइस मैंने अपने लंच थाली लगा ली है, ये देखिए यम्मी सी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है गाइस, इसको ट्राई ज़रूर करना आप। और ये मिर्ची और मक्के की रोटी बनाई है मैंने, इसके साथ दो रोटी हैं क्योंकि मेरे साथ मनु खाएगा, तो काफ़ी दिनों बाद मैं रोटी खा रही हूँ गाइस मक्के की और सैलेड। और ये मैंने रायता बना लिया है दही का, इसमें काली मिर्ची सेंधा नमक और बस यही डाला है अभी, तो रायता टाइप का ये दही है वैसे, तो इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। तो यही रहेगा गाइस आज का मेरा लंच, बहुत टेस्टी है, यम्मी सा है। और अब ये बताओ क्या यह खाने के बाद अपन को भूख लगेगी रात को? बिल्कुल भी नहीं भूख लगती। चुका है डिनर टाइम, डिनर में मैं लूंगी दूध, ये देखिए गरम हो रहा है तो एक ग्लास दूध लूंगी, ये पूरा अच्छे से गरम हो जाए और फिर मलाई हटा के तब ही लूंगी मैं, मलाई हटा के ही लेती हूँ दूध को और गुड़ के साथ ही लूंगी थोड़ा सा। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं दूध ले रही हूँ तो आप भी दूध लो, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन हल्का लेना है। रात के टाइम आपको खिचड़ी ले सकते हो, पोहा ले सकते हो और दलिया ले सकते हो या कोई भी सूप, जो भी आपकी इच्छा हो उस सब्जी से आप बना सकते हो, ठीक है? तो मैं तो लेने वाली हूँ आज दूध, ठीक है? तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। खुश रहना, अपना ध्यान रखना और गाइस वो सलाह मुझे ज़रूर देना कि अपना चैलेंज को मैं ऐसे ही रखूं या फिर दोबारा से शुरू करूं, ठीक है? तो प्लीज़ गाइस मुझे बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी, तो पक्का बताना मुझे। और कल फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय गाइस।